उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में निवासरत रहे दिवंगत भाजपा नेता प्रदीप शर्मा के फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नगर के समाजसेवी युवक रवि प्रेमचंदानी से 10,000 रुपये मांगने का मामला सामने आया है। इसमें कथित युवक ने थाने में इस बात की लिखित सूचना दर्ज कराई है। पाली निवासी रवि प्रेमचंदानी ने बताया कि सुबह फेसबुक मैसेंजर में दिवंगत भाजपा नेता प्रदीप शर्मा के फेसबुक आईडी से मैसेज आया कि उनकी मौसी की लड़की अपोलो अस्पताल में भर्ती है, जहां उन्हें 10,000 रुपये की जरूरत है और अकाउंट में राशि डलवा दी जाए। रवि ने बताया कि भाजपा नेता प्रदीप शर्मा का निधन बीते 3 से 4 वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन कोई उनके फेसबुक आईडी का गलत उपयोग कर पैसे की मांग कर रहा है, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। इस मामले में टीआईआर के धारिया ने कहा कि फरियादी रवि प्रेमचंदानी की शिकायत साइबर सेल उमरिया को भेज दी है। टीआईआर के धारिया ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि कभी भी कोई फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से किए गए मैसेज पर विश्वास न करें। संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने के उपरांत ही पूर्ण संतुष्टि के बाद कोई लेन देन करें। अभी आज थाने में एक रवि प्रेमचंदानी हमने एक लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने लिखा है कि प्रदीप शर्मा की फर्जी आईडी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तैयार की गई है और उस फर्जी आईडी से फेसबुक के माध्यम से 10,000 रुपये इलाज के लिए मांग की गई है। इस संबंध में हमने एक आवेदन पत्र दिया है जो जाँच में लिया गया है। इसमें ये संदेश है पुलिस की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कोई मांग करता है तो उसको पूरा वेरीफाई कर ले, कंफर्मेशन कर ले, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन करें। सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप के मतलब मैसेज पे किसी के अकाउंट में पैसा ना डालें।